हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बिज़नेस एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आज हम ये सब्जेक्ट का एक पहला इंट्रो दे देती हूँ। जैसे कि मैं हर सब्जेक्ट का दे रही हूँ, इसमें मिस्टेक्स है, हर जगह हो गई है, उसके लिए सॉरी। और आप लोग ठीक भी कर लीजिएगा, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग गलत है, एन नहीं लगा हुआ है, आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रो देती हूँ। इस चैप्टर का भी मेन पर्पज़ यही है कि अगर मैं वीडियोस तो बनाने में थोड़ा लेट होगा, लेकिन पर्पज़ यही है कि अगर आप लोगों को नोट्स लेके पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं बिज़नेस का मतलब। ठीक है, बिज़नेस और एनवायरनमेंट दो चीज़ों से मिलकर बना है बिज़नेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिज़नेस का मतलब होता है इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी फॉर एन इंडिविजुअल और ग्रुप इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्या होता है, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ से वो पैसे अर्न कर रहा हो, उस काम में क्या हो, बिजी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू द सराउंडिंग एक्सटर्नल एजेंट्स सर्कमस्टांसेस आर और इन्फ्लुएंस अंडर विच सम थिंग्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये एनवायरनमेंट का मतलब हम लोग जानते हैं, हमारा सराउंडिंग होता है, इसमें जितनी भी सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब इन दोनों से मिलकर बना होता हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स कंडीशन और सर्कमस्टांसेस विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन वर्किंग ऑफ बिजनेस। अब यही है वो ऐसा इन्वायरमेंट जो क्या करे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसी कंडीशंस, ऐसे फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इफेक्ट करे, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एक अच्छे तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना, उसको समझना, उसके बारे में अवेयर होने को ही हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको नोट्स इस चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।